फैजाबाद के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरबी पटेल सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। सरकार ने केवल जनता पर केवल छाला है। आरबी पटेल ने कहा कि स्वामीनाथन सहयोग से रिपोर्ट के अनुसार ही चुनाव का पहले मुद्दा था, लागू हो तो क्यों नहीं लागू किया गया। किसानों के लिए कुछ करना चाहते हैं, सहयोग से लागू करना चाहिए। बता दें कि आपको सरकार उत्तर प्रदेश के सहयोग से किसानों का कर्ज माफ कर दिया। 36,000 रुपये किसानों का कर्ज माफ के लिए बिल पास किया है। 15,000 रुपये आरएसएस के किसानों का कर्ज माफ किया है। अब भविष्य का गठन नहीं किया जाएगा, अन्य पार्टी गठनबंधी होगी, नहीं तो निर्माण राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण पटेल लेंगे। कितनी सीटें चुनाव लड़ना है, कितने पर नहीं, आप देख सकते हैं प्राइम बेकी न्यूज चैनल के लिए। आजम खान की रिपोर्ट। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, जो उन्होंने कहा था चुनाव के पहले इनका मुद्दा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, क्यों नहीं लागू की गई। अगर किसानों कुछ करना चाहते थे तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करना चाहिए थे। और नंबर दो, इन्होंने कहा था कि अगर मेरी सरकार उत्तर प्रदेश में आ गई तो प्रत्येक किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। क्या माफ हुआ? इन्होंने 36,000 करोड़ रुपया किसानों कर्ज माफी के लिए पास करवाया, अभी तक मात्र 15,000 करोड़ रुपया खर्च करके किसानों का कर्ज उनका दिया गया जो आरएसएस के एजेंट थे, आरएसएस के कार्यकर्ता थे, उनका उनका कर्ज माफ किया गया। तो इससे बनने वाली बात नहीं है, ये देश जान रहा है, देश के लोग जान रहे हैं, किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया है। और इन्होंने कमीशन खोरी, देश का चौकीदार किस तरह से जो है एक अमीर व्यक्ति को जिसके पास रक्षा मंत्रालय का कोई सर्टिफिकेट नहीं है और उसको रफेल बनाने का सौदा दिया गया, उसमें जो है 30,000 करोड़ रुपया उसको जो है एक तरह से देने का काम केंद्र सरकार ने किया। जब हमारे पास अपनी एजेंसी है, हमारी अपनी कंपनी है जो एचएल है और हमेशा जो है सुरक्षा के लिए हथियार बनाती रही है, उस कंपनी को एचएल का क्यों नहीं